हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। हरियाणा के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के 2500 पदों के ऊपर न्यू भर्ती आ चुकी है। अब मेरा भाई कोई भी 10वीं पास है, 12वीं पास है, जो सिक्योरिटी गार्ड में लगना चाहता है, 2500 पोस्ट आपके बीच में आ चुकी है। सभी भाई इस वीडियो पर बने रहे, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। फ्रेशर जो भी भाई आपका नौकरी पाना चाहता है तो बिल्कुल आराम से नौकरी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि अनाज मंडी जो हरियाणा की जितनी भी अनाज मंडियां हैं उसमें अब अनाज की खरीदारी स्टार्ट होगी। आने वाले कुछ टाइम में 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मंडियों में जो अनाज है वो खरीदारी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, अनाज मंडी में जब भी खरीदारी स्टार्ट होती है हर साल, उससे पहले पहले अनाज मंडियों में सभी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भर्ती कर लिए जाते हैं। जितने जितने जहां जहां पर रिक्रूटमेंट होती है उसके हिसाब से अनाज मंडी के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी भर्ती आती है। तो मेरे भाई जो भी लगना चाहता है, अगर आपके भी पास में कोई अनाज मंडी है वहां पर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, जिसके अंदर निगम के जो रेट होते हैं वही आपको रेट मिल जाते हैं, वही आपको सैलरी मिल जाती है, तो अच्छी जॉब रहने वाली है। अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो बिल्कुल आराम से इस वीडियो पर बने रहें, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो भी आपके बीच में जानकारी लेकर आते हैं 100% रियल जानकारी मिलती है, स्टिक जानकारी मिलती है, विश्वसनीय जानकारी मिलती है और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। तो भाई और बहनों, जो 2500 पोस्ट आपके बीच में लेकर आए हैं उनके लिए आपको फॉर्म किस प्रकार से भरने हैं, फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, क्या होने वाला है सिस्टम, उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। पर कंटिन्यू बने रहे, साथ में जो भी मेरे भाई आज नए आए हैं, जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सभी भाई के यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए भी जो भी नौकरी आती रहेंगी, जो भी अच्छे-अच्छे अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको भी जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। जो भी आप मैसेज करेंगे उसका भी हम रिप्लाई करेंगे, जो कमेंट करेगा हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। तो आइए, जो हरियाणा के अंदर 2500 पोस्ट आ रहे हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी देता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, हेलो गाइज, आप सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा जिसके अंदर क्या लिखा गया है कि सिस जो ग्रुप है हरियाणा के अंदर, अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट आ रखी है 2500 पोस्ट ही रहेंगी, सैलरी आपको 18,500 रुपए सैलरी मिलने वाला है, जॉब आपकी प्राइवेट रहेगी, ये प्राइवेट तौर पर आपको रखे जाएंगे, एप्लीकेशन टाइप आपका ऑनलाइन रहने वाला है, जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। तो सिस ग्रुप के अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहता है, अपने ही जिले के अंदर कोई स्टूडेंट काम करना चाहता है तो बिल्कुल आराम से वो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, उसको हर एक चीजें पता चल जाएंगे। ऑनलाइन फोरम स्टार्ट कब से हुआ था, 27 जनवरी से फोरम स्टार्ट हो चुका था, लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल रखी गई है। 15 अप्रैल तक जो भरना चाहता है बिल्कुल आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एज आपकी 21 साल से 36 साल तक के जो भी स्टूडेंट लगना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। एज में भी अगर किसी भाई और बहन को छूट चाहिए तो मोर इन्फॉर्मेशन रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो छूट दी जाती है वो आपको छूट इसमें मिल जाएगी, जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड के 10th पास जो भी स्टूडेंट है सबके लिए 2500 पोस्ट आ रखी है, केवल 10वीं पास होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तो मेरा भाई जो लगना चाहता है सिक्योरिटी गार्ड के अंदर 2500 भर्ती स्टूडेंट किए जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड की डायरेक्ट भर्ती रहेगी, 10वीं पास मांग रखा है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रखा है। अगर कोई स्टूडेंट कम पढ़ा लिखा आपकी फैमिली में, अगर उसको नौकरी की तलाश में वो घूम रहा है तो आप उसको भी अपडेट जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि उसको भी नौकरी आराम से मिल सकती है। तो सिक्योरिटी गार्ड की 10वीं पास वालों के लिए 2500 पोस्ट आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझ आ रहे होंगे, पोस्ट आपको पता चल गया, और जिसके अंदर इनका फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। फिजिकल के लिए आपका सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट रहेगी, पोस्ट का नाम आपका सिक्योरिटी गार्ड का रहेगा, हाइट आपकी होनी चाहिए 168 जो सेंटीमीटर है भाइयों की, वेट आपका 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, वेट आपका जो होना चाहिए 56 kg से लेकर 90 kg तक आपका वेट चलेगा, हाइट के हिसाब से ये वेट होना चाहिए, चेस्ट आपकी 80 से लेकर 85 तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आप इस फिजिकल क्राइटेरिया के अंडर में आते हैं, ये फिजिकल आपका है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करना, नहीं तो जिसकी हाइट कम है, जिसका वेट ज्यादा है या कम है तो वो भी भार हो सकते हैं। दुबला पतला आदमी ज्यादा इसमें फॉर्म ना भरे, क्योंकि उसमें फिजिकल में वो भार हो सकते हैं, तो अपना क्राइटेरिया देखते हुए हर चीज का तो ही फॉर्म भरे, जिसके अंदर इस भर्ती में कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस भर्ती का जो फॉर्म अप्लाई करेंगे सभी बच्चों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा, इसके अलावा इस भर्ती में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरा भाई जो भी भरना चाहता है, जिसके अंदर अप्रैल मंथ तक इस फॉर्म को अप्लाई करवाया जाएगा, पूरा मार्च मंथ आपके पास में 2500 पोस्ट आ रखी है, अगर आपका टाइम रहते हो आप फॉर्म भर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पहले फॉर्म भरता है उसको रेगुलर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ये चीजें नहीं है कि एक साथ में अप्रैल के बाद में
आपका एंट्री होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, रेगुलर फॉर्म भरे जाएंगे, जितने बच्चे उनको चाहिए 100 बच्चे जैसे काउंट हो जाते हैं 100 बच्चों का वो इंटरव्यू क्लियर करवा देते हैं, इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। उसके बाद में अलग से जो बच्चे अप्लाई करेंगे उसके नए बच्चे, तो उनको ऐसे बुलाते रहते हैं, बैच पूरा एक एक रेडी करके भेजते रहते हैं। तो मेरे भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सकता है 2500 पोस्टों के लिए आप फॉरम जरूर अप्लाई करें। फॉरम के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको चीजें पूछनी हो, बिल्कुल आराम से कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको अच्छे अच्छे नौकरियों का अपडेट मिलेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट मिलेंगे। जो मैसेज करेंगे जो टेलीग्राम पर उनके भी हम रिप्लाई करते हैं, जो कॉमेंट करता है हम उसके भी रिप्लाई करते हैं। तो भाई और बहनों, जाते जाते एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करते जाना, जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा जाके ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, और कॉमेंट जरूर करते जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए जो भी अच्छे अच्छे नौकरियों के अपडेट्स आएंगे पूरे हरियाणा में सबसे पहले आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी, जाते जाते एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना, जो भी आप कॉमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।